नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया। घर में ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से अननेसेसरी स्पेस ऑक्यूपाई होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में बहुत ही इजी से ऑर्गेनाइजेशन आइडिया शेयर कर रही हूँ जिसकी हेल्प से आप घर की उन छोटी छोटी चीज़ों को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये है एक एक्सपेंडेबल ऑर्गेनाइजर जिसको आप अपने ड्रॉअर या फिर शेल्फ के साइज के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ में इस तरीके के दो पार्टीशन आते हैं और दोनों साइड में स्लॉट्स गिवन हैं। जितना भी आपको स्पेस रखना है उसके हिसाब से आप इन स्लॉट्स को लगा सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली आपका जो एरिया है वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि इस छोटे से ड्रॉअर के अंदर भी देखिए कितने आराम से ये एक्सपेंडेबल ऑर्गेनाइजर फिट हो गया। और फिर जो भी सामान आपको इस ऑर्गेनाइजर में रखना हो उसके अकॉर्डिंगली आप पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। हमारे फॉयर एरिया में एक छोटा सा कंसोल यूनिट है जिसका ड्रॉअर आप देख ही सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा छोटा है। पहले मैं यहाँ पर डिस्पोजेबल कंटेनर्स लगाती थी लेकिन ओवर द टाइम वो कंटेनर्स ब्रेक हो गए। सो आई थॉट कि इस ऑर्गेनाइजर की हेल्प से मैं सॉक्स और हैंडकरचीफ्स को बहुत आराम से ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। This is also an expandable organizer, but this one is for your kitchen. यहाँ पर आप अपने छोटे बड़े पॉट पैंस या फिर लिड्स को बहुत आराम से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप अपने किचन के शेल्फ के अकॉर्डिंगली इस ऑर्गेनाइजर को छोटा या बड़ा बहुत आराम से कर पाएंगे कुछ इस तरीके से। एंड देखिए इसमें आपको ऐसे 6 स्लॉट्स मिलते हैं जिसमें आप अपने बहुत सारे यूटेंसिल्स ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ये एक बहुत ही छोटा सा स्पेस है बट देखिए किस तरीके से इफ़िशियंटली इस ऑर्गेनाइजर की हेल्प से मेरे जितने भी बर्तन थे मैंने उनको ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। आई नो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछेंगे कि जितने भी कुकवेयर्स मैंने अभी शो करे हैं वो मैंने कहाँ से परचेज करे हैं। तो ये सारे ही कुकवेयर्स हैं इंडस वैली से एंड दे आर मेड फ्रॉम 100% नेचुरल कास्ट आयरन। ये है उत्तपम बनाने के लिए तवा विच इज 100% हेल्दी कुकवेयर, फूड सेफ विदाउट केमिकल्स कोटिंग्स एंड टॉक्सिन्स। उसी के साथ साथ नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं वो अप्पे बनाने का तवा है जिसमें आपको इस तरीके के एक वुडन स्पून मिलता है जिससे आप अप्पे को बहुत आराम से पलट सकते हैं। नेचुरल कास्ट आयरन है तो जो आयरन का कॉन्टेंट है वो ऑटोमेटिकली आपके फूड में एनरिच हो जाता है विच हेल्प्स यू फाइट आयरन डिफिशियंसी। मैंने इस तरीके के दो सिलिकन जो हैंडल्स हैं उन्हें भी ऑर्डर करा है बिकॉज कास्ट आयरन के जो यूटेंसिल्स होते हैं जब आप उन्हें गैस पर यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो ग्रिप्स हैं उनको आप हैंडल पर लगा सकते हैं एंड देन यू कैन ईजली कुक योर फूड without burning or hurting your hands. लास्ट में है ये एक छोटी सी कढ़ाई जिसे मैंने ऑर्डर करी है जब मुझे बहुत थोड़ी सी सब्जी बनानी हो या तड़का लगाने हो तो इस तरीके की छोटी कढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं। कास्ट आयरन कुकवेयर्स आर वेरी हेल्दी एंड लॉन्ग लास्टिंग। द प्रोडक्ट्स दैट आई बॉट फ्रॉम इंडस वैली इज ऑलरेडी एट 40% ऑफ एंड फॉर एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट यू कैन यूज माई कूपन कोड विच इज SHARMA12 SHARMA12 टू गेट एक्स्ट्रा 12% ऑफ। सिलिकन ग्रिप्स को आप डिफरेंट डिफरेंट यूटेंसिल्स में कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं जब भी आप उसे गैस में खाना बनाने के लिए यूज़ कर रहे हो। यू कैन फाइंड द लिंक फॉर ऑल दीज प्रोडक्ट्स बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वाईफाई राउटर या फिर मोडेम कुछ इस तरीके से हम सबके घर में रखा रहता है और वायर्स देखने में नीट लुक नहीं देते हैं। तो आप एक इस तरीके का वाईफाई ऑर्गेनाइजर या फिर वाईफाई शेल्फ परचेज कर सकते हैं। हार्डली 5-10 मिनट के अंदर इसे ईजली DIY करके असेंबल किया जा सकता है। असेंबल होने के बाद में कुछ इस तरीके से लगेगा। टॉप में स्लॉट गिवन है जहां से आपको मोडेम को इंसर्ट करना है और इसके साथ में ये किस तरीके का फ्लैप है जिसे आप क्लोज कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इसे वॉल के ऊपर हैंग कर सकते हैं, पीछे के साइड में हैंग करने का स्लॉट भी गिवन है, बट मैं इसे इसी तरीके से जो हमारी TV यूनिट है उसके ऊपर रख देती हूँ। ऊपर से पोर्शन कट है जिसकी वजह से आपके वाईफाई के जो सिग्नल्स हैं वो ब्लॉक नहीं होंगे और देखने में भी ये सुंदर लगेगा। घर के अंदर अगर कोई छोटा सा भी एरिया है तो उसे बुक शेल्फ में कन्वर्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दीज इनविजिबल बुक शेल्फ जिसे आप बहुत आराम से वॉल के ऊपर हैंग कर सकते हैं।
अब आप चाहें तो इन शेल्फ्स की हेल्प से अपने वॉल के ऊपर कोई पैटर्न भी बना सकते हैं, जैसे कि स्क्वायर, स्ट्रेट या फिर डायगोनल। और जब आप इनमें अपनी बुक्स को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो आपकी जो वॉल है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी, इसको आपको डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं लगेगी। एंड जब आप इनमें अपनी बुक्स को ऑर्गेनाइज करते हैं तो जो शेल्स हैं वो एकदम इनविजिबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे बुक्स वॉल के ऊपर फ्लोट कर रही हैं। अगर स्पेस बहुत कम है तो आप बुक को कुछ इस तरीके से ओपन करके हाफ पोर्शन नीचे की तरफ इंसर्ट कर सकते हैं एंड देखिए आपका जो शेल्फ है वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। मुझसे ये बहुत बार पूछा गया है कि हम अपने ब्रूम्स को कहाँ पर हैंग करें या फिर ऑर्गेनाइज करें। तो यूटिलिटी एरिया में जो डोर होता है उसके पीछे आप बहुत आराम से अपने ब्रूम्स को हैंग करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले डोर को अच्छे से क्लीन कर लें। अब यहाँ पर मैं फिक्स करने वाली हूँ ये ब्रूम होल्डर। पीछे से आपको पील रिमूव करना है एंड जहाँ पर भी आपने एरिया क्लीन करा था वहाँ पर इसे अच्छे से फिक्स कर दें। लीव इट फॉर गुड 20 मिनट्स और उसके बाद में आप अपनी जो ब्रूम्स हैं उनको इस स्लॉट के अंदर बहुत ईजिली फिक्स कर सकते हैं। विजिबल भी नहीं रहेंगी और आपकी जो ब्रूम्स हैं वो अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगी। रिसेंटली Amazon के ऊपर मैंने इस प्रोडक्ट को देखा एंड आई थॉट कि इसे डेफिनेटली आप सबके साथ शेयर किया जाए। ये है एक लेमन स्क्वीजर। जो हमारे कन्वेंशनल लेमन स्क्वीजर्स होते थे वो टॉप से कर्व्ड होते थे, जिसकी वजह से उसे स्टोर या फिर ऑर्गेनाइज करके रखना ड्रॉज या शेल्फ में डिफ़िकल्ट हो जाता था बिकॉज ऑफ देयर शेप। लेकिन इसका शेप एकदम परफेक्ट है और ड्रॉर में ये ईजिली फिट भी हो जाता है और ये कन्वेंशनल लेमन स्क्वीजर जैसे ही काम करता है। यहाँ पर ये स्लॉट गिवन है जहाँ पर आप लेमन को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली रख सकते हैं एंड इस पोर्शन से जूस आपका बाहर आएगा। बैक साइड में एक छोटा सा नेट गिवन है जिसकी वजह से सीड्स बाहर नहीं आएंगे। जो कन्वेंशनल लेमन स्क्वीजर होता था उसमें से आप लेमन को सिर्फ एक ही बार स्क्वीज कर सकते थे, लेकिन इसमें आप लेमन को फोल्ड करके कुछ इस तरीके से रख दें और जो आपको लगता है कि थोड़ा बहुत जूस और है उसे भी आप बहुत ईजिली स्क्वीज कर पाएंगे। ये एक लेमन से मैंने जूस को स्क्वीज करा है एंड बिकॉज ऑफ इट्स शेप आप इसे बहुत आराम से आपका जो कटलरी का ड्रॉर है वहां पर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी अननेसेसरी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा। इस शेल्फ में मैं अपने स्पाइसेस ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ ग्लास जार्स में, लेकिन इनका लिड है टिन का। ये है चाट मसाले का डब्बा एंड बिकॉज ऑफ सॉल्ट जो इसका टिन वाला लिड है आप देखेंगे कि उसमें बहुत ज़्यादा रस्ट लग गया है, जो मुझे देखने में बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था। सो आई थॉट कि मेरे जितने भी ग्लास जार्स हैं जिनमें टिन वाला लिड है स्पाइसेस उसमें से डेफिनेटली हटा देने चाहिए बिकॉज वो हमारी हेल्थ के लिए उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो इस बार मैंने इस तरीके के ग्लास जार्स ऑर्डर करे हैं। इनकी कैपेसिटी है 200 ml एंड आई मेड श्योर कि इसका जो लिड है वो टिन का ना हो, ये प्लास्टिक लिड है तो इसमें मैं सॉल्ट या फिर स्पाइसेस भी रखूंगी तो उसकी वजह से लिड ख़राब नहीं होगा एंड मेरे जो स्पाइसेस हैं वो भी ख़राब नहीं होंगे। तो मैंने इस तरीके के 8 ऑर्डर करे हैं जो कि जो हमारे सबसे नीचे वाला शेल्फ है वहाँ पर बहुत आराम से फिट हो जा रहे हैं। जितने भी मसाले मुझे इस 200 ml वाले ग्लास जार के अंदर शिफ्ट करने थे मैंने उन्हें शिफ्ट कर दिया एंड देखिए इसका जो कलर है लिड का वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। उसी के साथ साथ मैंने 310 ml वाले ग्लास जार्स भी Amazon से ऑर्डर करे थे। ये आते हैं सेट ऑफ 6 में, तो मैंने ऐसे 2 सेट ऑर्डर करे थे। ये है उसका लिड, अंदर से प्लास्टिक है और बाहर से मेटालिक है, बट लाइनिंग प्लास्टिक होने की वजह से मुझे लगता है कि इसमें मसालों की वजह से जंग नहीं लगेगी, जैसे कि मेरे ये वाले जो टिन वाले लिड थे उसमें लग रहा था। उसके बाद में जितना भी मसाले थे मैंने उनको इस वाले ग्लास जार के अंदर शिफ्ट कर दिए हैं एंड मेक श्योर करिएगा कि जो भी आपके मसाले हैं उन्हें आप लेबल ज़रूर कर रहे हों। चाहे तो आप इस तरीके से बाहर से लेबल्स ऑर्डर कर सकते हैं या फिर मास्किंग टेप के ऊपर परमानेंट मार्कर से जो भी मसाला है उसे लिख सकते हैं। बॉटम में एक और प्रो टिप, मास्किंग टेप ज़रूर लगाएं और जो भी मसाला आपने उसमें रखा है उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर लिखें,
ताकि आप ट्रैक कर पाएँ कि आपको इस मसाले को कब तक फिनिश करना है। तो इसी तरीके से मेरे जितने भी मसालों के डब्बे हैं उसके नीचे मैंने मास्किंग टेप लगा के उनकी एक्सपायरी डेट लिख दी है, और ये वाले कंटेनर्स भी देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। बोर्ड गेम्स को अगर उनके कार्डबोर्ड बॉक्सेस में रखें तो उसे ऑर्गेनाइज करना डिफिकल्ट हो जाता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। तो आप छोटे छोटे जिपलॉक पाउचेस जिन्हें आप बहुत आराम से स्टेशनरी शॉप से परचेज कर सकते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कार्ड्स को रखने के लिए, या फिर अगर इस तरीके के लेगो सेट्स हैं तो उन्हें रखने के लिए आप जो नॉर्मल फाइल फोल्डर्स आते हैं ऐसे वाले उनका यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर आप छोटे छोटे लेगो के पीसेस बहुत आराम से स्टोर करके रख पाएंगे, क्योंकि ट्रांसपेरेंट फोल्डर है तो विजिबल भी रहेगा कि इसके अंदर आपने क्या चीज़ ऑर्गेनाइज करके रखी है। इसी के साथ में आप इनके बुक्स जरूर रखें ताकि बच्चे उसे आराम से खेल पाएं। ऐसे फ्लैश कार्ड्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए बच्चों के जो पेंसिल पाउचेस होते हैं उसका यूज़ किया जा सकता है, एंड देन इन बॉक्सेस को आप घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए किसी और तरीके से यूज़ में ला सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी गेम्स होंगे जो आपके बच्चे नहीं खेलते हैं तो उसे आप डोनेट कर सकते हैं, आपके कबर्ड में काफ़ी ज़्यादा स्पेस बन पाएगा। और कुछ ऐसे गेम्स जो बिल्कुल ही ख़राब हो गए हैं, टूट गए हैं, उन्हें तो डिस्कार्ड कर ही देना चाहिए। तो अब मैं एक बड़ा सा बास्केट ले रही हूँ जिसके अंदर जितने भी हमने पाउच बनाए थे, जैसे कि ये बड़ा वाला जिसमें मैंने लेगो रखा था, ऐसे छोटे छोटे जितने भी हमने पाउचेस रेडी करे हैं, चाहे वो आपके पज़ल के हों या फिर टिक टैक के हों, उन्हें रखने के लिए आप ऐसे पाउचेस का यूज़ करिए आपके बास्केट के अंदर। तो बैक साइड में मैं कुछ ऐसे गिफ्ट्स रख रही हूँ जिन्हें हमें बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करना है, और कुछ ऐसे भी गेम्स होते हैं जिनके कार्डबोर्ड बॉक्स हमें नहीं हटाने होते हैं, तो मैं उन्हें यहाँ पर रख रही हूँ और इनके ऊपर रखूँगी इस बास्केट को। अब इस बास्केट को भी यहाँ से एक्सेस करना बहुत ईजी है। इस छोटी सी बास्केट के अंदर मैं कुछ एक्स्ट्रा टॉयज़ रख रही हूँ, क्योंकि अब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस हो गया है, तो जो भी एक्स्ट्रा टॉयज़ थे मैं इस बास्केट में रख रही हूँ। पहले इस एरिया में मैं सिर्फ और सिर्फ कार्डबोर्ड बॉक्सेस को ऊपर तक स्टैक करके रखती थी, लेकिन स्पेस होने की वजह से मैंने यहाँ पर और भी टॉयज स्टोर और ऑर्गेनाइज करके रख दिए हैं। रिसेंटली मामाअर्थ से मैंने कुछ नए प्रोडक्ट्स रिसीव करे हैं, जो है मामाअर्थ मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक विद एवोकाडो ऑयल एंड विटामिन ई, विच गिव्स यू 12 आवर लॉन्ग स्टे। दीज लिपस्टिक्स आर स्मच प्रूफ, यानी कि आप खाएं पिए या फिर पाउच करें, आपकी ये जो लॉन्ग स्टे लिपस्टिक है इट विल स्टे ऑन योर लिप्स। It gives you 8-hour moisture lock. It is enriched with the goodness of avocado oil and vitamin E and seals in the moisture and nourishment for up to 8 hours. Mamaearth's products are free from any harmful chemical and they're all natural. You can use my code which is DECOR2024 to get an extra 20% off at mamaearth.in. And जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एक ही स्वाइप में जो उसका कलर है वो कितने अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है। मामाअर्थ के अगर किसी ऑफलाइन स्टोर से आपने कोई परचेज करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मुझे तो ये जो डिफरेंट शेड्स थे 6 वो बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। अगर आपके लिविंग रूम में ऐसा कोई स्पेस है जो ओपन है तो या तो आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके का एक ऑर्गेनाइज़र यूज़ करें जिसके साथ में लिड लगा हुआ हो तो यहाँ पर जो भी आपका डेकोर से रिलेटेड या जो भी एक्स्ट्रा सामान है उसे आप डेफिनेटली डंप कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखने में भी सुंदर लगेगा एंड किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसमें आगे की तरफ हैंडल होने की वजह से इसे आगे पीछे भी बहुत ईजिली किया जा सकता है। अब इसके अंदर जो भी मेरे लिविंग रूम से रिलेटेड स्टफ़ है डेकोर का, जैसे कि कैंडल्स, जार्स, बुकेंड्स, इन सब चीज़ों को मैं रख रही हूँ, जिसे मैं ईजली जब चाहूँ यहाँ से एक्सेस करके निकाल भी सकती हूँ। देखिए किस तरीके से जितना भी हमारा क्लटर था उसको हमने इस बॉक्स के अंदर रख दिया है और दिख भी नहीं रहा है। अगर हम अपने स्टडी डेस्क के ऊपर एक ही ऑर्गेनाइज़र के अंदर पेन, पेंसिल्स और सिज़र्स रख देते हैं तो डेफिनेटली उसे एक्सेस करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो रिसेंटली मैंने इस पेन ऑर्गेनाइज़र को परचेज़ करा है जिसमें 3 डिफरेंट हाइट्स में पार्टीशंस हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ईजिली अपने पेन, पेंसिल्स या फिर ग्लू और सिज़र्स को बहुत आराम से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। एंड जब आप इसे एक कॉर्नर पर रखेंगे तो ये सुंदर भी लगेगा और ऑर्गेनाइज भी रहेगा।
तो ये था आज का वीडियो एंड आई होप कि आज इस वीडियो में दिखाए गए सारे ही आइडियाज़ आप सबके लिए यूजफुल होंगे। अगर आप इन प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आई विल सी नेक्स्ट टाइम। टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।